हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड लाइक फॉर अ लोकेशन चेंज मैं बाहर आई हूँ एंड मैं अभी जा रही हूँ सुपर फार्म। लेकिन चलते चलते मैं आप सबसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि इंडिया का सिम काम करता है भी या नहीं इज़राइल में। एंड द सेकेंड थिंग वॉज गूगल पे, पेटीएम वगैरह ये सब चलता है या नहीं। कुत्ते मेरे पीछे आ रहे हैं, देखो कितना क्यूट सा पपी है, बट मुझे कुत्तों से डर लगता है। तो हाँ, गूगल पे चलता है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बहुत सारे कुत्ते आ गए थे। ये देखो ये लोग ऐसे यहाँ पे, लाइक ये पार्क जैसा है तो इसीलिए यहाँ पे लाइक डॉगी वॉगी को घुमाने लेके आते हैं। एंड मुझे कुत्तों से डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ा मतलब मैंने स्टॉप कर दिया था ब्लॉग। तो अभी लेट्स स्टार्ट। तो हाँ, गूगल पे चलता है, पेटीएम भी चलता है एंड प्लस आपका सिम भी चलता है। जियो वगैरह तो मुझे नहीं पता, बट एयरटेल चलता है, क्योंकि मेरा जब मैं जब इंडिया से इज़राइल आई थी तब मैंने मेरा जो सिम था एयरटेल का वो मैंने अपने फ़ोन से नहीं निकाला था एंड फॉर्चुनेटली वो गूगल पे भी चल गया मेरा। तो इसीलिए अगर आप न्यू कमर्स हो एंड अगर आप इज़राइल आ रहे हो इंडिया से, तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो गूगल पे चलेगा, फॉर श्योर वो चलेगा। एंड गूगल पे आप सबको पता है कि सिम से ही चलता है, अगर आपके फ़ोन पे सिम लगा रहेगा तभी गूगल पे चलेगा। तो अगर लाइक आपको सिम चलाना है तो आप एयरटेल का सिम लेके आओ, वो चलेगा। एंड उसका रिचार्ज पैक, वो जो पैक है 800 समथिंग कितना रुपीज़ का, वो पैक भरने से आपको लाइक 10 या 20 SMS मिलती है एंड कॉल भी मिलते हैं उस पर, एंड प्लस आपको इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह सब मिल जाएंगे। तो एयरटेल का सिम चलता है पहली बात तो। एंड दूसरी बात ये है कि गूगल पे चलाने के लिए आप सिम कार्ड अपने फ़ोन से ना निकालो, क्योंकि मेरा जो पिछला फ़ोन था तो उसमें दो स्लॉट्स थे, इसीलिए मैंने एक स्लॉट से सिम नहीं निकाला एंड वो चलना स्टार्ट हो गया था मेरा। साइकिल जा रही थी इसलिए मैं रुक गई एंड इसीलिए वो चल गया था। एंड गूगल पे पेटीएम चलाने के लिए आप एयरटेल का सिम लेके आओ। अगर आपका बैंक से लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा के आओ एयरटेल का सिम, तो आपका यहाँ पे चल जाएगा गूगल पे। एंड अगर बाय मिस्टेकली आपने सिम निकाल भी दिया या फिर आपने फ़ोन चेंज किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे चल जाएगा। आप बस एक काम करना, वो नए फ़ोन पर जब आप सिम डालोगे तो वो सिम डालने के टाइम पे आप अपना फ़ोन इंडिया से रिचार्ज करवा लेना। घर पे किसी को बोल के 800 समथिंग रुपीज़ का पैक मिलता है वो भरवा लेना। तो आपको गूगल पे कंफर्मेशन के लिए कोड वगैरह सब कुछ आपको फ़ोन पे मिल जाएगी, तो आपको इजी हो जाएगा। एंड पेटीएम का भी सेम है एंड फ़ोन पे का भी सेम है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आपने वो सिम कार्ड नहीं निकाला अपने पुराने फ़ोन से एंड वही सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपको रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन वही है कि आपका SMS वगैरह नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप रिचार्ज नहीं करोगे। तो अगर दो 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 केसेस बनते हैं यहाँ पे, अगर आपने फ़ोन से सिम नहीं निकाला तो आपका गूगल पे ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन अगर आपने सिम निकाला तो आपको रिचार्ज करनी पड़ेगी। तो आप रिचार्ज करके भी गूगल पे चला सकते हो। अभी तो मैं बाहर हूँ, तो जब मैं रूम पहुँचूँगी तो मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊँगी कि लाइक चलता है एंड प्रैक्टिकल दिखाऊँगी कि गूगल पे चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जो इज़राइल में उन लोगों को भी काम आएगी। जब आप घर जाओगे वेकेशन पे तो आप लोग क्या करना, बैंक पे जाके अपना सिम जो है वो चेंज करके एयरटेल में कन्वर्ट कर लेना, तो आपका यहाँ पे गूगल पे चल जाएगा। लेकिन अगर आपका लाइक एंड जो लोग ऑलरेडी इज़राइल में है एंड उनका सिम कार्ड एयरटेल का है एंड इफ़ दे हैव सिम कार्ड विद देम एंड वो बैंक से लाइक लिंक्ड है, तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड आप एक काम करना कि आप रिचार्ज कर लेना घर पे बोल के 800 समथिंग का, तो आपका चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर आप गूगल पे डाउनलोड कर लेना या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम, कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एंड आपका चल जाएगा। एंड जो लोग न्यू कॉमर्स है वो उधर से डाउनलोड करके लिंक करके आप आना, ताकि आपको ईजी। एंड अभी मैं मॉल पहुंच गई हूँ एंड मुझे सुपर फार्म से कुछ सामान लेने, एंड लेने के बाद मैं निकल जाऊँगी
निकलने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी कि गूगल पे कैसे चलाना है इसराइल में। सेम है, सेम जैसे लाइक जैसे आप इंडिया में चलाते हो वैसे ही सेम चलानी है, लेकिन बस वो डिफरेंस है कि आपको रिचार्ज करनी पड़ेगी अगर आपने सिम कार्ड निकाला है फ़ोन से, लेकिन अगर नहीं निकाला है तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो चल जाएगी ऐसे। तो आई थिंक आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका है गूगल पे एंड मुझे लगा मुझे बोल रहे वो, तो गूगल पे एंड विथ सिम कार्ड, एयरटेल का सिम कार्ड चलता है एंड गूगल पे भी चलता है इसराइल में। तो अभी मैं निकल गई हूँ यहाँ से एंड मैंने ले लिया है मेरा सामान एंड जब मैं घर पहुँचूँगी तो मैं आप तो तब वो फ़ोन में लेके आई थी एंड फिर बाद में मैंने इस मतलब बाद में मैंने चेंज किया ये वाले नए वाले फ़ोन पे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, या फिर आपको वही वाली यूज़ करनी है तो बस आप सिम मत निकालना, वही एक क्राइटेरिया है। बाकी तो आप एयरटेल का सिम वही एक ऑप्शन है कि आप एयरटेल का सिम लेके आओ एंड बाद में आपको लाइक मैसेज वैसेज आएगी एंड आप उसको बाकी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रिचार्ज ना करो इंडिया के सिम पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हॉट गोलान 019 ये सब सिम वगैरह के नाम है, तो आप वो सिम पे भी वो सिम से भी इंडिया पे कॉल कर सकते हो। जस्ट आपको 10-20 शेकल ज़्यादा देने पड़ेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ इट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिम कार्ड ना निकालो फ़ोन से, तो वो चल जाएगी, आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको लाइक इम्पॉर्टेंट है तभी आप रिचार्ज करो, वरना आप ना ही करो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। हमें वैसे भी यहाँ पे मिल जाती है सारी फैसिलिटीज़ इंडिया कॉल करने के लिए, नॉर्मल कॉल करने के लिए, तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि आप रिचार्ज ना करो। बट आपको अगर इंडिया का सिम ज़रूरी है, यहाँ आके भी चलानी पड़ेगी, तो आप कर सकते हो 800 समथिंग का रिचार्ज, फिर चल जाएगी। शायद से यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो चुका है किसी का एंड वो लोग बना रहे हैं। तो अभी मैं पहुँचने वाली हूँ, पहुँचने के बाद मैं आप सबको दिखाऊँगी कि क्या कैसे करना है, तो कंटिन्यू करूँगी घर पहुँचने के बाद। तो वेलकम बैक, अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, आप देख सकते हो बैकग्राउंड एंड ये है मेरा पुराना इंडिया का फ़ोन एंड इसमें मैं आप सबको दिखाऊँगी कि लाइक प्रैक्टिकल दिखाऊंगी कि गूगल पे चलता है एंड दिस इज़ माय गूगल पे। सो दिस इज़ माय गूगल पे, आपको दिख रहा होगा। तो सो ये देखो चलता है एंड अभी मैं ट्रांजैक्शन करके लाइक प्रैक्टिकली बताऊंगी जब मैं ट्रांजैक्शन करूंगी, तो मैं मेरी बहन को पैसा भेज दूंगी। तो ये देखो गूगल पे चलता है एंड जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं मेरी बहन को पैसे भेज रही हूँ, तो मैंने ये भेज दिया, रुक जा। ये शायद से आप लोगों को पता चल जाएगी। तो रुको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो आप लोगों को दिख रही होगी ऐसे, मतलब बाहर इतनी लाइटें तो नहीं दिख रही होगी। तो ये देखो अभी मैंने मेरी बहन को पैसे भेज दिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है डन। तो ये देखो हाँ चलता है गूगल पे। तो अभी मैंने आप सबको प्रैक्टिकली भी बता दिया, पैसा ट्रांसफर करके भी दिखा दिया कि हाँ गूगल पे चलता है एंड मेरा एयरटेल का है इसलिए मैं एयरटेल सजेस्ट करूंगी ऑब्वियसली। तो अगर जियो वगैरह भी चलते होंगे तो मुझे उसका टैरिफ नहीं पता एग्जैक्टली कितने रुपीस का वाउचर आता है, इंटरनेशनल पैक वगैरह आता है, बट एयरटेल का मुझे पता है 300 समथिंग है एंड सॉरी 800 समथिंग है। तो आप ऐसे चला सकते हो एयरटेल का। सो दिस वॉज माई, तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ एंड थैंक यू गाइस फॉर ऑल योर लव सपोर्ट एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड अगर आप लोग इसराइल आ रहे हो जो भी मेरे ब्लॉग्स देखे, तो उन सबको वेलकम है, आप सबको वेलकम है इसराइल में
एंड बाय बाय।